इन चारों युगों के समन्वय को अपने जीवन में करके दिखा। जब हम लोग भक्त लोगों से कहते हैं कि चारों युगों के समन्वय से बहुत अच्छा होगा, तो रोज प्रतिदिन ध्यान प्रार्थना करनी चाहिए, तो वो लोग अपना एक ट्रंप कार्ड खेलते हैं। बहुत सब कष्ट सब कुछ ठीक है स्वामी जी, बट परंतु, एक परंतु है, परंतु स्वामी जी समय कहां है? इतना हमको काम करना पड़ता है, ऑफिस में जाना पड़ता है, स्कूल में जाना पड़ता है, कॉलेज में जाना पड़ता है, रोजी रोटी का बन पड़ता है, भाई लोग बोलते हैं और बहन लोग बोलती है, हमको तो रसोई बनानी पड़ती है, बच्चों को पालन करना पड़ता है, सप्लीमेंट करना पड़ता है घर में, तो समय कहां है? एक ये बात कहते हैं। दूसरे कहते हैं आप लोग में बैठे हैं यहां तो कितनी शांति है, हमारे घर में आके देखिए सुबह तो मानो महाभारत मच जाता है, सब लोग इतने जोर जोर से चिल्लाते, कहां से हम ध्यान करेंगे? तो और फिर कहते हैं न तो हमारे अलग से कोई मेडिटेशन रूम है, आपका जैसा मेंबर ऐसा छोटा सा मकान है मात्र 2 कमरे, तो कैसे करेंगे? तो ये बट वाली बात भक्त लोग कहते हैं। तो हमारे पास एक ही ट्रंप कार्ड है, क्या? मां का जीवन पढ़िए, उत्तर मिल जाएगा। मां शारदा देवी कैसे रहती थी, अभी बताया ना पूज्य स्वामी सत्यरूपानंद जी महाराज, छोटे से नौबत खाने में रहती थी, 7 फीट बाई 9 फीट बाई 8 फीट, 8 फीट ऊंचाई, 9 इंच इधर और 8 फीट 3 इंच उधर, और वो षटकोण था और दरवाजा तो 4 फीट ऊंचा। मां शारदा देवी को कई बार लग जाता था, सिर में लग जाता था, इतना छोटा दरवाजा था। और जो कल मोटी मोटी औरतें आती थी वो तो अंदर घुस नहीं सकती थी, तो बाहर खड़े खड़े बोलती थी, अरे हमारी सीता माई लक्ष्मी माई ऐसी तपस्या कर रही है, कैसे वनवास भोग रही है। और ये छोटा सा नौबत खाना, ये मां शारदा का ड्राइंग रूम था, उनका बेडरूम था, उनका किचन था, उनका स्टोर रूम था, उनका सब कुछ था और गेस्ट रूम भी था। लक्ष्मी वहां रहती थी और कोई महिला भक्त हो उनको भी रामकृष्ण देव भेज देते थे, और ऊपर से सब टंगाया जाता था, तो मां खड़ी भी थी, सो भी बराबर नहीं सोती थी, और फिर भी इतनी असुविधा के बावजूद, और उनकी दिन देखिए, चाहे दक्षिणेश्वर में हो, चाहे जयराम बाटी में, चाहे कलकत्ता में, सुबह 3 बजे उठ जाती थी, प्रातः 3 बजे उठ जाती थी, उठ करके सुबह हाथ मुंह धोकर कपड़ा बदलकर जप करती थी, ध्यान करती थी, और फिर शुरू होता था कितना सारा काम, सब्जी काटना से लेकर के फिर नहाना धोकर के फिर से पूजा करना, पूजा के सामग्री बंधन घिसना, माला बनाना, ठाकुर की पूजा करना, ये करने के बाद फिर से रसोई बनाना, अतिथि लोगों की सेवा करना, और फिर मंत्र दीक्षा देना, मंत्र दीक्षा देने के बाद ना कहां तो गुरु की सेवा वो करेंगे, शिष्यों की सेवा माँ करती है, करके 1 बजे फिर भोग लगाना, फिर खाना खाने के बाद थोड़ा सा हुआ नहीं कि सब लोग आना शुरू हो गए, विजिटर्स सब भक्त लोग आ गए, उनके उनको दर्शन देना, उन बातचीत करना, फिर साधु ब्रह्मचारी को पास में बिठा करके डिक्टेशन देती थी, पत्रों का उत्तर देती थी, इतने बड़े रामकृष्ण संघ का संचालन करती थी नेपथ्य में रह करके। ये सब करने के बाद फिर शाम को प्रार्थना ध्यान और रात को ठोक लगा करके खाना खिला करके सब कुछ काम निपटा करके उसमें सब काम रहता था, बर्तन मानना, कपड़ा धोना भी बनाना, झाड़ू पोछना, जो काम आजकल की महिलाएं नहीं करती उससे भी अधिक, कई गुना अधिक काम करती थी। रात को 11 बजे सोती और सुबह 3 बजे उठती थी। मां ने करके दिखाया, अपने जीवन में करके दिखाया, चारों योगों के समन्वय की साक्ष जीवंत मूर्ति विग्रह हैं श्री मां शारदा। उनके पास से हम लोगों को बहुत प्रेरणा मिल सकती है यदि हम उनके जीवन को देखें। क्यों? रामकृष्ण देव के जीवन में भी चारों योग हुआ है, स्वामी विवेकानंद के जीवन में भी चारों योग का समन्वय हुआ है, परंतु रामकृष्ण देव भाव समाधि में रहते थे और उनका केवल उपदेश देना। स्वामी विवेकानंद विश्व का भ्रमण करते थे, वो हमसे नहीं होगा, परंतु दैनंदिन व्यावहारिक जीवन में सब कुछ काम करते करते हमारे कहते हैं ना, कुछ लोग आकर के बोलते हैं संसार का झमेला है, इन झमेलों के बीच में रहते हुए, और कैसा झमेला, हम कहते हैं महाभारत मच जाता है, तो मां शारदा का परिवार कैसा था अभी सुना आप लोगों ने, पगली मामी सुरबाला, मतलब उन भाई की पत्नी
भाई मर गया था बेचारा, तो उनकी पत्नी थी पूरी पागल हो गई, तो सुरबाला साथ में रहती थी, रोज कुछ न कुछ लगाती थी और अशांति पैदा करती थी घर में। और फिर दो भतीजियां थी, नलिनी और माकू, ये पिछत पागल थी, आधी पागल थी, कभी कभी छुआछूत। एक बार आके नलिनी बोलती है कौवे ने पेशाब किया, मुझे स्नान करना पड़ेगा रात को ठंडी में। माँ बोलती है मैं इतनी बूढ़ी हो गई, कभी सुना नहीं कौवा पेशाब करता है, तू कौवे ने पेशाब कर दिया, और रानी रात आएगी नहीं। और नलिनी और माकू एक दूसरे से हमेशा झगड़ती रहती, उधर पगली मार उसके खेल दिखाती है, और इधर राधु पगली मामी की जो लड़की, वो तो उसको अफीम खाना चाहिए, नहीं खाए नहीं तो माँ को बैगुन से मारती है पीठ पर। ये 25% पागल, 25% पागल। और गोलाब, गोलाब माँ इतने जोर जोर से चिल्लाती थी कि माइक की आवाज उस समय जरूरत नहीं पड़ती थी। ये सब के माँ का परिवार था, और फिर भी माँ कहती थी इतना सब काम करने के बावजूद इस कोलाहल के बीच में रहकर प्रतिदिन 1,00,000 जप करती थी, 1,00,000। हम लोगों को विश्वास नहीं होता है, परंतु माँ शारदा देवी उस समय, कई लोग तो बोलते 108 जप करना होगा गुरुदेव से मंत्र दीक्षा, तो गुरुदेव ने कहा मिनिमम 108 जप करना पड़ेगा। तो एक भक्त ने वीरेश्वर जी महाराज को कहा महाराज 8 करने से नहीं हो, तो महाराज ने कहा पर किसको तुमको किसने कहा था भिक्षा लेने को, कोई जबरदस्ती थी क्या? तुमको यहां से दिल्ली जाना है तो बैलगाड़ी में जाओ, परंतु यदि जल्दी पहुंचना है तो ट्रेन में, और जल्दी पहुंचना है तो प्लेन में जाओ, तो तुमको जितना जल्दी पहुंचना है उस प्रकार से करना है, जैसी साधना करोगे वैसी सिद्धि मिलेगी। मां शारदा जी कहती थी जपा सिद्धि ही, जप करने से सिद्धि होती है, मां करके दिखा गई है। राजयोग, अष्टांग योग मां शारदा जी के जीवन प्रतिफलित होता है, ज्ञान योग अद्वैत की साधना माने की सर्वभूत दर्शन होता था, सर्वभूतों में दर्शन, ये ज्ञान योग की चरम सीमा। मां शारदा देवी योग के साधना भी की और सिद्धि भी की, अष्टांग योग भी उनके जीवन में प्रतिफलित होता है, राजयोग ज्ञान योग और भक्ति योग तो है ही है, प्रार्थना और जप ध्यान और ज्ञान योग के बारे में आप जानते हैं। अद्वैत आश्रम में उन लोगों ने रामकृष्ण देव का फोटो रख दिया, स्वामी विवेकानंद बहुत नाराज हुए, देखता हूं बूढ़ा यहां भी आ गया है, उनके फोटो को दूर कर दो, तो फोटो तो दूर कर दिया। बाद में कुछ सन्यासियों को लगा हाई कोर्ट में जाया जाए, शारदा देवी मां शारदा को लिखा पत्र कि देखिए हम लोग तो फोटो को रखते थे, उसको भी स्वामी जी ने ना बोल दिया, बोलते नहीं अद्वैत का ही पालन करना पड़ेगा। तो मां ने बहुत सुंदर पत्र का उत्तर दिया, देखो बाबा हमारे ठाकुर खुद अद्वैती थे, हम सब भी अद्वैती हैं, बस चुप हो गए सब। तो मां भक्त पालन करती थी, अद्वैत ज्ञान का भी प्रतिपालन करती थी, और राजयोग में जो कहा गया समाधि, दो प्रकार की समाधि, संप्रज्ञा संप्रज्ञा समाधि, दोनों प्रकार की समाधि मां को होती थी, और ज्ञान योग का जो चरम लक्ष्य है सर्वभूतों में दर्शन वो भी होता। भक्ति योग की तो बात ही छोड़ दीजिए, 1,00,000 जप करती थी, और पराभक्ति और गौणी भक्ति के लक्षण मां शारदा देवी में थे। और कर्मयोग की तो बात ही छोड़ दीजिए, कितना घोर कर्मयोग कहा, कितना परिश्रम किया, मां आप क्यों इतना परिश्रम करती है? तो मां ने उत्तर दिया बेटा दृष्टाने के लिए, आदर्श दिखाने के लिए जितना करना चाहिए था उससे कहीं अधिक मैंने करके दिखाया। मां खुद बोलती है बहुत परिश्रम किया, घोर कर्मयोग करती है, सारे दिन काम करती है, और बाकी जप के लिए ध्यान के लिए समय निकालती है। इस प्रकार से मां मानो चाह के समन्वय की एक विग्रह है, मूर्तिमंत स्वरूपा है। तो आज के इस पवित्र वातावरण जब हम यहां बैठ, मां शारदा की 150वीं जन्म जयंती जब हम यहां पर पालन कर रहे हैं, तब मां के चरणों में हम यही प्रार्थना करेंगे, मां इतना तुमने करके दिखाया है, और जैसा रामकृष्ण देव कहते फुलाना किया तुम एक का ना कमर करो तो करो, और अब तो पैसे का जमाना आ गया, पहले 16 आना होते थे, तो मां आपने जो उसका 1% भी हम लोग अपने जीवन में कर सकेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। मां शारदा देवी के चरणों में प्रार्थना, आप सबके भीतर में विराजमान
दिव्य चेतनाओं को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।